કેમ છો મજામાં ભાઈ? લોગ પંજાબ બોલે તો સરદારો કા લેન્ડમાર્ક, જબ જબ પંજાબ કી બાત આતી હૈ તબ તબ આંખો કે સામને ખેત ખલિયાન, પ્યાર મોહબ્બત ડેરિંગ જિગરા આતા હૈ। અરે મામા, પિછલે કઈ દિનો સે અપુન લગાતાર પંજાબ કે ગેંગસ્ટર ડોન માફિયા કી કહાની સુના રહેલા। આજકલ પંજાબ ક્રાઇમ કા અડ્ડા બન ચુકા હૈ, ઓર ઇસી પંજાબ અંડરવર્લ્ડ મેં આજ જે કરીબ 20 સાલ પહેલે એક ઐસા કાંડ હોયેલા જો પંજાબ અપરાધ જગત મેં આજ ભી એક રહસ્ય બના હૈ। ભાઈ લોગ, યહાં બાત હો રહેલી પંજાબ કે રૂપિંદર ગાંધી કી, જિસકે ઉપર પંજાબી મેં દો ફિલ્મે બન ચુકી હૈ। વહાં કે લોગ કહેતે હૈ કી ગાંધી અપના મસીહા થા, મગર પોલીસ રિકોર્ડ ને ઉસે બના દિયા ગેંગસ્ટર। वैसे तो गुज्जू भाई ने रूपिंदर गांधी के जीवन के ऊपर पंजाब का सुरमा करके रावस वीडियो बनाएला, मगर आज बात करना मंगता रूपिंदर गांधी के मर्डर की। रे बाबा, ये वो मर्डर मिस्ट्री है जो पंजाब अपराध जगत में आज भी एक रहस्य बना हुआ है। गांधी को किडनैप किया जाता है, थाने में FIR होती है, लोग सड़कों पर उतर जाते हैं, पूरा जिला हाईजेक किला बन जाता है। 10 दिन बाद उसका शरीर मिलता है, वो भी नदी किनारे। शरीर की सारी हड्डियां टूटी फूटी होती है और सीने से 2 गोलियां निकलती है। पंजाब के लोग कहते हैं कि वो गैंगस्टर न था, वो एक नेक दिल बंदा था जो हर जरूरतमंद के लिए आगे खड़ा हो जाता। भाई लोग, रूपिंदर गांधी की कहानी इतनी दमदार है कि एक बार उसे समझ लिया फिर तो उसके दीवाने हो जाओगे। तो उसके जीवन पर बना यह वीडियो जरूर देखना। खैर, हमें सिर्फ रूपिंदर गांधी हत्याकांड की बात करनी है। 5 सितंबर 2003 की वह सुबह थी, मानो पंजाब के गांधी परिवार के लिए मातम बनकर आई थी। सुबह करीब 8:30 बजे होएंगे, रूपिंदर गांधी और उसका दोस्त हरप्रीत सिंह स्कूटर पे सवार अपनी धुन पे गांव की ओर आ रहे थे। जैसे ही उनका स्कूटर गांव के नजदीक पहुंचा कि अचानक पीछे से एक कार ने स्कूटर को टक्कर मार दी। गांधी और उसका दोस्त जमीन पर गिर पड़े। रूपिंदर गांधी कुछ समझ पाता उससे पहले तो कार में सवार नकाबपोश हमलावरों ने रूपिंदर गांधी और उसके दोस्त को पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद हमलावर गांधी को उठाकर ले गए। कहते हैं कि रूपिंदर गांधी का अपहरण समराला रोड पर हुआ था। इधर परिवार ने थाने में FIR दर्ज करवाई। 1 दिन 2 दिन 3 दिन भी बीत चुका था, मगर पुलिस के हाथ खाली थे। उधर रूपिंदर गांधी का परिवार और गांधी ग्रुप से जुड़े लोग सड़कों पर उतर आए। कहते हैं कि कई दिनों तक सड़कें जाम कर दी गई थी। रूपिंदर गांधी के समर्थन में लोगों ने पंजाब के कई शहरों में शहर बंद का ऐलान कर दिया था। लोगों के गुस्से को देख पुलिस ने भी अपना काम तेज कर दिया और 10 दिन बाद रूपिंदर गांधी का मृत शरीर पाकड़ा नहर में मिला। जब रूपिंदर गांधी के शरीर का पोस्टमार्टम हुआ तब पता चला कि रूपिंदर गांधी को बहुत बुरी तरह मारा पीटा गया था। हाथ पैर की सारी हड्डियां टूटी हुई थी और लास्ट में उनको गोली मार दी गई। पुलिस ने इस हत्याकांड को आपसी रंजिश बताया। कहते हैं कि बाद में इस केस में 1-1 कर 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया और साल 2020 में इस केस से जुड़े 2 आरोपी रणजोत सिंह और राजकुमार को 8-8 साल कैद की सजा सुनाई थी। इधर रूपिंदर गांधी के जाने के बाद भी गांधी ग्रुप वैसा का वैसा था। स्कूल कॉलेजों में उसका दबदबा था। रूपिंदर गांधी के बाद गांधी ग्रुप की कमान संभाली रूपिंदर गांधी के भाई मनविंदर गांधी ने। मनविंदर सिंह रसूल का गांव के सरपंच भी थे। कहते हैं कि मनविंदर सिंह उर्फ मिंडी सुबह करीब 7:30 बजे अपने भतीजे दविंदर सिंह नोना के साथ खेतों में फसलों में स्प्रे करने निकले थे। वही टाइम पे खेतों में 2 छोकरे आए ले दे धनाधन मिंडी के ऊपर गोलियां बरसा दी और मोटरसाइकिल पे सवार भाग गए। इधर मिंडी को अस्पताल लाया गया, मगर उन्होंने भी दम तोड़ दिया। मिंडी की मौत के कुछ घंटों बाद गुरजोत सिंह गर्जा ने हत्या की जिम्मेवारी ली। गुरजोत गर्जा भी पहले गांधी ग्रुप से जुड़ा था, मगर पंजाब में कई बार देखा गया है कि 2 जिगरी वर्चस्व और पावर को हथियाने के चक्कर में दुश्मन बन बैठते हैं। और इसी तरह गर्चा भी गांधी ग्रुप से अलग हो गया। कहते हैं कि खन्ना के नज़दीक बिलड़ा गांव के एक मैरिज हॉल में रवि ख्वाजगे
और गुरजोत गर्जा के रुपिंदर गांधी के भाई मिंडी के साथ लड़ाई हो गई थी। दोनों तरफ से फायरिंग भी हुई थी, जिसमें एक गोली गुरजोत गर्जा के पैर में लगी थी। इसके बाद गुरजोत को CMC अस्पताल भर्ती किया गया और ठीक होने के बाद वो विदेश चला गया, लेकिन उसके मन में रंजिश थी। गुरजोत का कहना था कि मिंडी अपने फायदे के लिए रुपिंदर गांधी की फिल्मों को रिलीज करवा रहा था और रुपिंदर गांधी की दूसरी फिल्म रिलीज होने से पहले मिंडी को मरवा दिया। खैर, बुराई का अंत भी बुराई होता है। गुरजोत गर्जा भी कनाडा में हार्ट अटैक से मर गया। तो भाई लोग, ये थी गांधी ब्रदर्स के हत्याकांड की कहानी, जिसे पुलिस वाले गैंगस्टर और आम लोग मसीहा कहते थे। तो फिर चलो, इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।